साक्षी स्टार मिला की ओर बहुत शुक्रिया, बहुत से शुक्रिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी एंड वेलकम करना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच। आपने इस काबिल समझा और यहाँ दावत दी आज इस बहुत ही खास मौके पर। फतेह अली खान साहब के जन्मदिन एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं आज, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि वकार खान सर भी अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इन्होंने भी नुसरत साहब के कई गानों को अपनी आवाज से वापस से जिंदा किया है। इनके कई कवर सॉन्ग्स हैं जो ओवर 6 मिलियन व्यूज तक भी जा चुके हैं यूट्यूब पे। सो कंग्रेचुलेशन सर फॉर दैट। सर की जो क्वालिटी है कि इनकी कश्मीरी में, पश्तो में, पंजाबी में, उर्दू में, मतलब अनगिनत गाने गाए हैं। एंड सर मैं कुछ भी कहने, मतलब वैसे तो मैं बहुत कुछ कह चुकी हूँ, फिर भी आगे बढ़ने से पहले बहुत ज्यादा कह दिया मेरे लिए। अरे देवी सर, हम बड़े खुश होते हैं कि इतने अच्छे टैलेंट को हम आज स्टार वाला के थ्रू आपके फैंस से भी रूबरू करवा सकते हैं, आपसे भी बातचीत कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एंड ये आगे किसी भी सवाल से पहले मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि अगर 2 लाइन आपके फेवरेट सॉन्ग की आप गुनगुना के इस इंटरव्यू को हम चालू करें तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। जी हाँ, मैं एक फतेह अली खान साहब का गाना है काली काली जुल्फें, तो सबसे पहला गाना मेरा वही था यूट्यूब पे जो मैंने रीमेक किया था, और उसका जिक्र जैसे अभी आपने किया, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया और अभी अक्रॉस 6 to 7 मिलियन उस पर व्यूज भी हैं, तो वो शुरू कर रहा हूँ। मैं अपनी टीम के साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। ये मेरे साथ हैं जी बिल्कुल, और ये है नमस्ते सर, हाय। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, परे बेमुहब्बत में उलझाने वाले। दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, परे बेमुहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जबानी तुम्ही को मुबारक। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जबानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के, थैंक यू। मतलब अगर ये हॉल होता या ये कहीं क्राउड होता तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती सर, मतलब मैं सिर्फ सुनते ही रहना चाहती हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। उनका ऊपर वाले का कर्म है और उनका जो कलाम है उसका क्या कहना।
ये तो है ही सर। और एक आपका भी तो अपना प्रेम है, अपना प्यार है उनसे, कि जी जो आपको बिल्कुल इतना डेडिकेट करता है, मतलब जब वो गाना आप गा रहे थे तो आपका जो प्यार है, वो जो आपका एक कनेक्शन है नुसरत साहब से, वो साफ दिखाई देता। तो ये जी अपने आप बिल्कुल में वो बहुत तो बड़ी है बात है सर। जी। बकाया सर, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, बहुत सारे आपके फैंस भी हैं जो जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ। तो आई थैंक एवरीवन जो यहाँ आ रहे हैं, और भी जो फैंस हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, बकार सर से आप लाइव बात कर सकते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना ये चाहूंगी कि नुसरत साहब से जो मोहब्बत हुई आपको, ये कब हुई और कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए फतेह अली खान साहब को तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे याद है मैं क्लास 2 में था जब मैंने पहली बार उनका नाम सुना था। और हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैंड आया था पाकिस्तान से, मैं कश्मीर में हूँ, कश्मीर से हूँ बेसिकली, अगर पता ना हो किसी को। बिल्कुल तो उनके ज़रिए मुझे पता चला कि फतेह अली खान साहब इस दुनिया में नहीं है। तो वो पहली बार जब मुझे पता चला कि वो शख्स इस दुनिया से चले गए हैं, उससे पहले मैंने कभी फतेह अली खान साहब को सुना नहीं था ना उनको जानता था। तो यकीन माने कि वो उनका एक गाना गा रहे थे अल्लाह हूँ, तो और मैं रोना शुरू हो गया। और फिर वहाँ से मैंने जो उनको सुनना शुरू किया, और उनका जो कलाम है या उनका जो काम है वो बेमिसाल है। शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हमें दोबारा मिल सकती है इस दुनिया में। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स म्यूजिक, मतलब बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने म्यूजिक को एक अलग लेवल पे और एक बिल्कुल नए फॉर्म को, जैसे कवाली जो उनका जो एक जॉनर था कवाली को, बिल्कुल एक नए फॉर्म को इतना मशहूर किया, इतना मारूफ किया कि शायद ही कोई और कर पाता। तो वो सब चीज़ें थी जो उन्होंने उनकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और सबसे बड़ा जो जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया वो था उनका कलाम। उनका कलाम वो मजबूती वाला, ऐसी पकड़ वाला है कि कोई भी बंदा उनसे फिर निगाहें नहीं चुरा सकता जब वो गा रहे हो। हमने अभी एक छोटा सा वीडियो भी क्लिक किया था, उसमें भी मतलब जिस आनंद के साथ लोग डांस कर रहे थे, जिस प्यार से उनके पास जाकर बैठे हुए थे, वो वाकई में आप बहुत बड़ी बात कहती कि अट्रैक्ट हो बिल्कुल। जाता है इंसान, और ऐसा कहीं नहीं है इधर कि उधर वो नहीं। सिर्फ हिंद या पाक में उनके ऐसे गाने सुने जाते थे, ऐसे मशहूर थे वो, थ्रू आउट द वर्ल्ड उनका यही सिलसिला था। जहाँ पे भी जाएंगे आप, अंग्रेज देख लीजिए जिनको उर्दू या हिंदी का कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस धुन में मस्त होते थे। तो वो उनकी कशिश थी, उनकी एक उस कलाम में जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाते थे, वो बेमिसाल था। क्या बात है, मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, वकार सर गोल्ड मेडलिस्ट है, मतलब पढ़ाई में भी ये बड़े तेज रहे हैं, और उसके बाद ये इतना अच्छा गाना भी गाते हैं। तो सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ये बोला गया कि पढ़ाई में इतने अच्छे हो, पढ़ाई में ध्यान दो, गाने वाने क्यों गाते वो हैं और क्या हुआ? जो गोल्ड मेडल है वो वजह ही इसी वजह से मिला है। असल में हमारे यहाँ पे थोड़ा आपको मालूम है कि जो हमारे वालिदैन होते हैं वो, उनका बड़ा ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हमारी पढ़ाई इफेक्ट हो, हमारे पढ़ाई पे कोई असर पड़े। तो इस चीज़ से मुझे भी रोका जाता था इनिशियल स्टेज में कि मैं इस म्यूज़िक की वजह से अपनी पढ़ाई पे असर ना हो। तो मैंने पढ़ाई को पहले स्ट्रॉन्ग किया ताकि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ ना बचे, और दोनों चीज़ें बैलेंस करके चला। तो अब वो मुझे टोक नहीं सकते कि आपके पढ़ाई पे असर हो रहा है। तो मैंने दोनों दोनों चीज़ें सेम रखी, मतलब बैलेंस करके चला। और मेरे हिसाब से पढ़ाई एक अलग चीज़ है, और ये एक पैशन है मेरा जो मैं करता आया हूँ, करता रहूँगा। और ना मैंने कभी ये सोचा है कि इसका आउटकम क्या मिलेगा मुझे, या इससे मैं कितना मशहूर होऊंगा या कितना पैसा कमाऊंगा। ये एक पैशन है जो मैं करता आ रहा हूँ। तो और पढ़ाई एक अलग अलायदा है इससे, वो शायद मुझे आगे जो मेरा बाकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो उसके ज़रिए से पूरी हों। बकार सर, ये बताएं कि आपके लिए, आपने काली काली जुल्फें तो हमें मतलब सुनाया, बेहद ही खूबसूरत सा नगमा सुनाया, और वाकई में हम वापस ट्रैवल कर गए उसी जगह पे, उसी स्टेज पे जहाँ नुसरत साहब खुद गा रहे थे। मतलब इंशाल्लाह आपको जो ये आवाज मिली है वाकई में बहुत खूबसूरत है और बड़ी तस्कीन सी है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी इसके अलावा जो आपका फेवरेट गाना है वो कौन सा है, और अगर आप उसे थोड़ा सा गुनगुना दे हमारे लिए। देखिए हमारे यहाँ जहाँ J&K में काफ़ी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी है, डोगरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, उर्दू और हिंदी तो है ही, और कश्मीरी भी जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। तो एक पहाड़ी गीत है, तुसी निका निका हंसदे हो, मैं आपको सुनाता हूँ। वो सारा बेस्ड है बिल्कुल स्माइल पे। बिल्कुल, हाँ, तो वो एक छोटी सी वो विनी नाम रंग माया, वो विनी नाम रंग
क्या बात है सर। एंड मैं आपकी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। वाकई में वो जो पूरा फील आता है ना गाने का, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ ही है, नो डाउट अबाउट इट। या बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। वकार सर एक बात बताएं, आपके भी बहुत सारे फैंस हैं, बहुत लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे आपके गानों को इतना पसंद किया जाता है, तो आपका फेवरेट फैन मोमेंट कौन सा रहा कि जब आपको लगा कि यार वाकई में मैं बहुत स्पेशल हूँ लोगों के लिए? एक एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं वाकया सुनाता हूँ आपको। मैं एक कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक हमारा फंक्शन था, तो और वहाँ पे जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हम निकल रहे थे, तो हम लंच कर रहे थे और एक लड़की आई मेरे पास और कहा मुझे फ़ोटो लेना है। तो मैंने कहा ज़रूर लीजिए, तो उन्होंने फ़ोटो लिए और मेरे पास वो चित्रा जो आर्मी का जैकेट होता है वैसा कुछ पहना था मैंने, तो उन्होंने फ़ोटो उठाया लेकिन उनको कुछ खास लगा नहीं फ़ोटो। तो वो कहने लगे क्या आप मेरा इंतज़ार कर सकते हैं? मैंने कहा जी हम तो शायद निकल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। बोला, मैंने कहा वजह क्या है आप मुझे इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं? तो कह रही हैं कि जैसा जैकेट आपने पहना है मैं ऐसा बाज़ार से खरीद के लाऊंगी और फिर फ़ोटो उठाऊंगी। और मैंने उनसे कहा कि शायद हम 10 या 15 मिनट और यहाँ होंगे, तो अगर आप तब तक आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो गए, उन्होंने वो सेम जैकेट खरीदा बाज़ार से और आए और फ़ोटो लिया। तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल अलग लेवल का फैन मोमेंट था कि उन्होंने बाजार गए और सेम कपड़े पहने और फोटो उठाने के लिए। क्या बात है, मतलब वाकई में एक वो है, जज्बा है, लव है जो लोग आपके साथ करते हैं। हमारे साथ एक जीशान खान भी हैं एंड वाकई में ही इज अ बिग फैन, वो शुरू से लाइव में वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब लाइव आएंगे, एंड ही इज बीन हियर राइट हियर विद अस। थैंक यू एवरीवन जो भी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वकार सर मैं आगे आपसे बात करना चाहती हूँ। नुसरत साहब से तो आपको प्रेम है ही, ये हमें बिल्कुल पता है, हम देख ही सकते हैं। सिंगिंग में सर आपका जो जनरल इंटरेस्ट था वो कब चालू हुआ, एंड मतलब आप बचपन से गाते थे या वाकई में सिर्फ नुसरत साहब के गानों से ही आपने शुरुआत? दोनों चीज़ें एक साथ हुई, बचपन से ही गाता था और फ़तेह अली खान साहब के ही गाने बचपन से शुरू किए। मैं क्लास सेकंड में था, 2002 की बात है जब मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था, और स्कूल टाइम से मैंने शुरू किया गाना, फिर आगे आगे ऐसे ही सिलसिला चलता गया। क्या बात, बड़ी छोटी सी उम्र में वकार सर आपने एक गहराई पाली है अपने गाने में, एंड मतलब इसको पाने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं, उम्र बीत जाती है लोगों की, इसकी कोई खास वजह? ये सब अल्लाह का करम है और दुआएं हैं माँ बाप की। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि जो आपके जो आप गाते हैं चीज़, लिरिक्स या कलाम जो गाते हैं उसको समझना और उसकी अंदर तक जाना कि वो कह क्या रही है बात। जैसे अब ये गाना है सादगी तो हमारी, ज़रा देखिए फ़तेह अली खान साहब को जो मैंने की है, तो जब तक आप में वो सादगी नहीं आएगी, आप में वो सादगी और इनोसेंस नहीं आएगी, तब तक आप उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाते। तो शायद यही वजह है कि मेरा जो ज़्यादा तवज्जा होती है वो लिरिक्स पे है कि उनको अदा कैसे किया जाए और कलाम कौन सा चूज़ करूँ, तो वो शायद लोगों को पसंद आता है और वही एक बात है कि उसी में वो गहराई वाली बात भी आती है। बहुत बड़ी बात है सर। सर एक और बात मुझे ये बताइए कि जैसे आप जब यूट्यूब कवर्स बनाते हैं और आप लाइव सिंगिंग दोनों करते हैं, आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है और आप ज़्यादा इंजॉय कहाँ करते हैं? देखिए लाइव लाइव हमेशा ही अव्वल नंबर पर रहेगा,
क्योंकि लाइव में आप लोगों से मिलते हैं, गुलते मिलते हैं और वो मस्ती होती है। यूट्यूब पे आपको बड़ा डिसिप्लिन रह के काम करना है, 4 मिनट का वीडियो बनाना है और वो भी बड़े तमीज के साथ, आप कुछ इधर उधर नहीं कर सकते। तो एक लाइव में एक अपना माहौल होता है जब लोग मिलते हैं और डांस करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स मिलते हैं, तो लाइव हमेशा ही अव्वल नंबर पे रहेगा। क्या बात है। तो फैंस जितने भी हैं यहाँ पे वकार सर को सुन रहे हैं, हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो भी आपके साथ लाइव हो और वैसे ही मस्ती जो शायद लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले हम कर पा रहे थे, वो अब वापस जल्दी से शुरू हो जाए। वकार सर, एक छोटी सी फरमाइश आई है वीजान की तरफ से, हल्का हल्का जरूर की अगर आप इसे पूरी कर पाए तो। जी जी, कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत जो याद होगा तो मैं, और उसके अलावा जो भी फतेह अली खान साहब के गाने हैं तो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो साथी हैं साथ में हारमोनियम पे, सईद मुबशिर साहब, ये भी थोड़ा मेरे साथ गुनगुनाएंगे इस कलाम को। तो बिल्कुल बिल्कुल। ना नमाज आती है मुझको, ना नमाज आती है मुझको, ना वजू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता। ये जो तेरी जिंदगी मेरा प्यार है, तेरी जिंदगी प्यार है। क्या बात है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। एक जुगलबंदी में भी जो मजा आता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, और ये थोड़ा फोन का हमें ज्यादा, मुझे समझ नहीं है कैसे यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ अगर कोई एंगल शंगल में गड़बड़ है। सर मैं बता रही हूँ, आपकी आवाज ने हमारी सारी उम्मीदों को मतलब पार कर दिया। आई मीन अभी आप कुछ ना भी करें, सिर्फ हम गाने गाते रहने तो भी चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मगर सर मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूंगी, अभी नए प्रोजेक्ट्स में आप क्या लेके आ रहे हैं, या कोई ऐसी कैसा गिफ्ट है फैंस के लिए जो अभी हम देखने को मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, मेरा एक नया गाना है फतेह अली खान साहब का ही है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है उनका, और वो हमने किया है, और कुछ शायद मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन के बाद वो रिलीज हो जाएगा मेरे यूट्यूब पे। तो उम्मीद है जैसे पहले प्यार मिला है, सब लोगों ने पसंद किया है, अभी भी प्यार मिलेगा और पसंद करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल आई डू होप, एंड जितने फैंस यहाँ सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं वो तो डेफिनेटली आपको फॉलो करते ही हैं, तो आपकी आवाज को सुनने के लिए हमेशा बरकरार रहते हैं। वकार सर मुझे ये बताइए, मैंने सर अभी सनी हिंदुस्तानी से भी यही पूछा था, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, आपके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि नुसरत साहब क्या मायने रखते हैं तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो सब कुछ वही है, क्योंकि मेरी शुरुआत ही उनसे है और मेरे कलाम ही उनका ही गाता हूँ। मेरी नज़र में तो मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ, मेरे मुर्शिद हैं वो, और हमेशा से मैंने उनको फॉलो किया है और आगे भी करता रहूंगा। क्या बात है। मगर सर अब हम जब ये देखते हैं कि जो आज का यूथ है वो ज्यादा बॉलीवुड प्रेफर करता है, कव्वाली, या जैसे आप तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाना गाते हैं, काफी सारे फोक सॉन्ग हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, पर कहीं ना कहीं क्योंकि लोग उन्हें कम पसंद करने लगे हैं, तो आपको क्या लगता है उसका क्या कारण होगा या क्या किस वजह से ऐसा होता है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम पसंद करते हैं। हाँ जरूर, ये जरूर है कि अब ऑडियंस थोड़ी रिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत कम हो गई है इन सॉन्ग्स की। उसकी वजह ये है कि दिन ब दिन हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। शायद मैं वेस्टर्न कल्चर पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, पर हमारा जो अपनी तहजीब, अपना जो कल्चर है, शायद हम वो हमारे हाथ से फिसल रहा है। और वही वजह है उसकी, हमने अपने बुजुर्गों को नहीं पढ़ा, हमारी अपने जो हीरोज हैं उनको नहीं सुना या उनके कलाम को नहीं पढ़ा। तो वो एक वजह है कि हम अपनी तहजीब, जो हमारा अपना ट्रेडिशन है हिंदुस्तान का या अपना कल्चर है, वो हमारे हाथ से फिसल रहा है, और यही एक वजह है शायद। पर अभी भी ऐसे लोग हैं मौजूद जो इस इनको सुनते हैं और सिर्फ यही कलाम सुनते हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उन सब वही सब मोटिवेशन हमें भी मिलती है कि नहीं, हम इसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्टेड रहें, और ये काइंड ऑफ सर्विस भी है टुवर्ड्स आवर कल्चर और हमारी जो लैंग्वेज है। तो ये हमेशा हम कंटिन्यू रखेंगे बजाय इसके कि कोई हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले या ना मिले। क्या बात है सर, क्या बात है। एंड वाकई में ये डेडिकेशन बहुत जरूरी है ताकि आप अपने कल्चर को जिंदा रख सके। बकार सर, आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाना गाते हैं, आपका फेवरेट लैंग्वेज कौन सा है और आपका फेवरेट गाना उस लैंग्वेज में कौन सा है? जी मेरा तो फेवरेट लैंग्वेज उर्दू है, मैं उर्दू ही ज्यादा गाता हूँ, और उसके अलावा कश्मीरी या पहाड़ी जो मेरी लैंग्वेज है वो भी मैं गाता हूँ। अच्छा सर, कोई पहाड़ी गाना अगर आप हमें सुनाए जो मतलब अमूमन कम सुनने में आता होगा या कम लोगों ने सुना होगा, अगर उसकी कुछ चंद लाइनें आप गुनगुना देंगे बड़ा अच्छा। जी हाँ जरूर, एक गाना है गम खा गया मेरा, तो वो सुनाता हूँ थोड़ा। गम खा गया है सारी जवानी है, उम्रांदाए मान रह गया। गम खा गया है सारी जवानी, उम्रांदाए मान रह गया। एक दुखिया मड़ा दिल बाकी, सुखिया ए जहान रह गया। गम खा गया है सारी जवानी, उम्रांदाए मान रह गया। जो यहाँ जुड़े हुए, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, सब जितने भी लोग जुड़े हैं और सबको, तो पहले मेरा सलाम और बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े हमारे साथ। और मैसेज यही है कि जो भी, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं एक ऐसे तकबे या ऐसे जगह से हूं जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, अगर आप करना टंडार उसका नाम है, और हम 6 महीने कट रहते हैं मेन सिटी से ड्यू टू स्नोफॉल, 6 महीने वहां रहते हैं और 6 महीने के बाद हमारा रास्ता जो है वो खुलता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस मुकाम तक या
अभी भी सीखने के मुकाम पे हूँ, पर खैर जो भी है यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैसेज ये है कि आप कुछ भी करें, जो भी करना है आपने पूरे दिल से करें, और इसमें जो आप दिल से करेंगे चीज़ जिसमें आपकी मेहनत होगी, आपको हमेशा फल मिलेगा उसका। और ख़ासतौर जो मौसीकी की हवाले से बात करूँ, इसमें आप हमेशा ये ना सोचें कि इसका आउटकम क्या होगा, कि आपको एक दिन रिजल्ट क्या मिलेगा जाके, कल को आप बनोगे क्या। अगर आपने ये चीज़ सोची तो आप शायद कामयाब ना हो पाएंगे। हमेशा करते रहें अच्छी मन के साथ, अच्छी नीयत के साथ, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे एक दिन। क्या बात है सर, क्या बात है। सर एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे आप गाने तो गाते ही हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं हैं, लोकल आर्टिस्ट या जो बडिंग आर्टिस्ट हैं जो अभी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से थोड़े थोड़े फेमस हो रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज से अगर 5 से 10 साल पहले की बात करते तो बहुत स्ट्रगलिंग रहता था हर एक आर्टिस्ट की, लेकिन अभी जो है सोशल मीडिया का दौर है, हम थोड़े अभी हमारे पास अच्छा अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की या बाकी चीज़ें, और सोशली हम थोड़े अवेयर हुए हैं अब ज़्यादा, तो इसका हम अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छे से। अब बड़े बड़े नाम देखें जो सोशल मीडिया के ज़रिए से ही बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचे हैं, अगर मैं इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ तो वो भी एक सोशल मीडिया के ज़रिए ही है और सोशल मीडिया की वजह से भी है, तो उस चीज़ का हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए उसका, एक इंशाल्लाह आपको जरूर उसमें कामयाबी मिलेगी। क्या बात है सर। सर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे, मतलब बाकी में लोग कह रहे हैं बस आप बातचीत तो रहने दीजिए वकार भाई को, बस गाने ही गाने दीजिए। जी मैं एक गाना है जो काफी मशहूर है फतेह अली खान साहब का, मेरे रश्के कमर, तो जी पेश कर रहा हूँ दो लाइनें फिर। बिल्कुल बेहिजाबा न वो सामने आ गए और जवानी से टकरा गई आँख उनकी लड़ी हूँ मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी हूँ मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, आँख उनकी लड़ी हूँ मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बज्म रिंदा में सागर खनक ले लगे, बज्म रिंदा में सागर खनक ले लगे, मैं कदे में बरसने लगी मस्तियां, मैं कदे में बरसने लगी मस्तियां, फिर घटा बन के छाई मजा आ गया, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है बकार सर, आई मीन आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत गाना और बहुत ही खूबसूरती से आपने प्रस्तुत किया। सर मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगी, गुजारिश करूंगी, स्टार विला टीवी ऋषि सर गौरव सर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उसके फैन के लिए क्या? मेरा उनसे जो रब्ता हुआ है वो कुछ दिन पहले ही हुआ, हमारे दोस्त हैं मंगेश भाई, उनके जरिए हुआ, और पहले तो उनको भी बहुत शुक्रिया, और फिर जब अनीत भाई ने या गौरव भाई ने फ़ोन किया और इस खलूस से और इतने प्यार से मुझसे बात किया तो, और दावत दी, और मैं बिल्कुल किसी उस मुकाम पे नहीं था कि मैं मना कर पाता, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया उनका और आपका भी जिनने इतना कीमती वक्त मुझे दिया, और जितने भी व्यूवर्स यहाँ पे थे सबका बहुत शुक्रिया, और हमेशा आबाद रहें, खुश रहें। थैंक यू
क्या बात है वकार सर, मैं इसी के साथ आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आज आपने नुसरत साहब का जो बर्थडे है उसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुरमई बना दिया है, और हम सब ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि मुझे इस मौके पे मौका मिला और आपने मौका दिया गाने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, आप वकार सर को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उनके गाने सुन सकते हैं, बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हैं सर के, और ऐसे ही वो हमेशा हमें अपने लग्न सुनाते रहे, यही हमारी दुआ है। इसी के साथ वकार सर, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और ऐसे ही हमेशा गुनगुनाते रहें, खुश रहें। आभार।